Saloni, have you understood this rule? पिछली बार के लिए, पिछली के लिए हम last लगाते हैं. हम last कौन से दो sense में लगाते हैं? दो या बल्कि तीन sense. एक तो हम लगाते हैं पिछली बार, last time. दूसरा हम लगाते हैं कल रात को, कल शाम को, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, कल बीता हुआ, कल रात को, कल शाम को, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, है ना, पिछला साल, लास्ट ईयर, पिछली बार, पिछले साल, है ना, और फिर लास्ट टाइम तो पिछली बार ही है, और फिर हम लगाते आखिरी, लास्ट. तुम जाओ आखिरी पेज पर, ये बुक नहीं तुम्हारे हाथ में, इसके आखिरी पेज को खोलो, गो टू द लास्ट पेज. इसमें भी हम लास्ट लगा रहे हैं. पिछली बार, पिछली शाम, पिछले साल, पिछली रात, ये भी लास्ट है ना. और फिर हम लास्ट लगा रहे हैं आखिरी, बुक के आखिरी पेज पर जाओ, गो टू द लास्ट पेज. वो रेस वगैरह में लास्ट आया, रेस वगैरह में फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, फोर्थ आते हैं, लास्ट आते हैं, लास्ट आया. ये सारा आपका लास्ट है, अंडरस्टूड? तो ये आएगा पिछली बार, लास्ट टाइम. वो अपना बैग लाना भूल गई और अपनी तो बॉटल लाना भूल गई. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5. अब देखो, आज तुम इतनी देर से क्यों आए हो? देर से, लेट. Why are you so late today? और sixth देखो, रूल लिखो. जब कोई राइटर होता है, जब कोई सेंटेंस नंबर सिक्स, Have you read R.E.A.D. J.K. Rowling's, J.K. Rowling's, लिखो पहले सेंटेंस लिखो. Have you read J.K. Rowling's R.O.W.L.I.N.G. apostrophe S dash book. डैश बुक. ऐसी जगह से आपकी बैठती था, थोड़ा पंखा होता तो उससे भी परेशान हो गई. हैव यू रेड जेके राउलिंग्स डैश बुक? हाँ. अब इसमें समझो, रूल लिखो. राइटर्स दो तरह के होते हैं. एक तो वो जो जिंदा है और दूसरा जो कि मर गए, है ना. एक तो वो राइटर्स जो आज भी जिंदा है और एक जो कि मर चुके हैं. अंडरस्टूड? अब जो मर गया है, जो राइटर मर गया है, लिखो. जो राइटर मर गया है उसकी जो आखिरी किताब होती है वो लेटेस्ट कहलाती है. जो राइटर मर गया है उसकी आखिरी किताब लेटेस्ट कहलाएगी, है ना. क्यों लेटेस्ट क्यों कहलाएगी? अभी तक जो आखिरी बुक को हम लास्ट कहते हैं. क्यों? क्योंकि अब वो मर गया, अब वो और नहीं लिखने वाला, इसलिए उसने जो आखिरी किताब लिखी वो उसकी लास्ट बुक है. मर गया है ना, अब तो और नहीं लिखेगा, इसलिए उसकी जो आखिरी किताब है वो उसकी लास्ट बुक है. अंडरस्टूड? पर जो जिंदा राइटर है, उसकी उसने 10-20 किताबें पहले छाप दी और अब एक और किताब आ गई और वो जिंदा है, इस किताब के बाद भी और छापेगा,
इसलिए आज जो उसकी किताब है वो उसकी लास्ट किताब नहीं है, वो तो और ही लिखेगा। आज जो उसने छापी है वो उसकी लेटेस्ट किताब है, फलानी डायरेक्टर की लेटेस्ट फिल्म, डायरेक्टर जिंदा है और भी फिल्म बनाएगा, मर गया डायरेक्टर उसकी जो आखिरी फिल्म थी वो लास्ट फिल्म है। और आरपीएससी कुछ ना कुछ हिंट देगी। अब जैसे जे के रावलिंग है, बहुत पॉपुलर राइटर है, और अब आपका इतना बड़ा लिटरेचर कंटेंट जुड़ गया है सेकंड ग्रेड में, बहुत सारा लिटरेचर जुड़ गया। हैरी पॉटर नाम का जो सीरीज है उसकी राइटर है ये जे के रावलिंग, अंडरस्टूड? शी हैज रिटन लॉट्स ऑफ बुक्स। प्लान होता कि मैं हैरी पॉटर के बारे में एक दो और बुक्स लिखूंगी
तो ये उनका लेटेस्ट ही रहता, बट वो खुद ही अपने मुंह से कह रही है ये मेरी आखिरी किताब है हैरी पॉटर के बारे में, इसके बाद में कुछ नहीं लिखूंगी हैरी पॉटर के बारे में। तो वो खुद ही कह रही है कि दिस इज माई लास्ट बुक फीचरिंग हैरी पॉटर, ये मेरी आखिरी किताब है जिसमें मैं हैरी पॉटर का रेफरेंस दे रही हूँ। नंबर 8, दिस इज द डैश सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये इस सेंटेंस का आखिरी एक्सरसाइज का आखिरी सेंटेंस है। दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, थैंक यू फॉर डूइंग इट, थैंक यू आप लोगों ने एक्सरसाइज किया, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस है। इज इट क्लियर? तुम लोग एक दूसरे को बाय कहते हो, फिर मिलेंगे, बाय फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, सी यू लेटर, LATER, सी यू लेटर, LATER। अब सेंटेंस नंबर 10, हम रूल कर चुके हैं, है ना, इसलिए नए आए हुए बच्चों को परेशानी होगी, अपन सबको तो आता है। जब किन्हीं दो चीजों की बात होती है, जैसे टी है कॉफी है, अगर कोई मुझसे पूछे आप चाय लेना चाहोगे या कॉफी लेना चाहोगे, तो मैं लैटर को प्रेफर करूंगा, LATER, लैटर को प्रेफर करूंगा। लैटर मतलब जिन दो चीजों का नाम लिया गया है उनमें से जो दूसरी चीज है, आप चाय लोगे या कॉफी लोगे, मैं लैटर को प्रेफर करूंगा। LATER का मतलब मैं कॉफी को प्रेफर करूंगा जिसका जिक्र आपने बाद में किया। टी हो जाएगा फॉर्मर और कॉफी हो जाएगा लैटर, LATER। ये केवल दो के सेंस में, जहां दो की बात आती है, और लिखो लैटर LATER सेंटेंस नंबर टेन लैटर LATER सेंटेंस नंबर टेन लैटर LATER। जब दो का दो वस्तु या दो व्यक्तियों का रेफरेंस हो, जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं का रेफरेंस हो, तो जिसका नाम बाद में लिया गया है, जिसका नाम बाद में लिया गया है, उसके लिए हम लैटर यूज करते हैं, उसके लिए हम लैटर LATER यूज करते हैं, और जिसका नाम पहले लिया गया है उसके लिए हम फॉर्मर यूज करते हैं। फॉर्मर FORMER, कोई उवासी देता है ना तो उसको देख रहा होता है, उसको भी उवासी आ जाती है। पहले वाले के लिए हम फॉर्मर यूज करते हैं, दूसरे वाले के लिए हम लैटर यूज करते हैं। इज दिस क्लियर? तो अब इसमें सेंटेंस नंबर 10 में ऑफ एप्पल्स, अब सुनो, यहां दो की बात नहीं हो रही, ऑफ एप्पल्स ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स, ऑफ एप्पल्स ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स, द लास्ट इज माई फेवरेट, क्योंकि यहाँ दो चीजों की बात नहीं हो रही, दो से अधिक की बात हो रही है, तीन चीजों की बात हो रही है, इसलिए जो आखिरी है हम उसको लास्ट कहेंगे। अगर यहाँ पर दो चीजों का रेफरेंस होता
और हम कहना चाहते हैं कि एप्पल्स और ऑरेंजेस में से मैं ऑरेंजेस को प्रेफर करता हूँ, तो हम कहते हैं आई प्रेफर द लैंडर। पर क्योंकि तीन चीजों का रेफरेंस है तो तीसरी चीज हमारे लिए लास्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ठीक है, आई प्रेफर द फॉर्मल। और फिर तो फॉर्मल और फिर ऑरेंज कहना, आई प्रेफर द सेकेंड। तो एप्पल ऑरेंज आई प्रेफर द सेकेंड ना, ऑरेंज को मैं प्रेफर करता हूँ। पर आरपीएससी वो फॉर्मल वॉर्मल वाला नहीं देगी, ये लैटर एल ए टी ई आर एल ए टी टी ई आर इसमें हो जाएगी, एल ए एस टी लास्ट। चलो, ऑफ एप्पल्स ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स द लास्ट इज माई फेवरेट, द लास्ट इज माई फेवरेट। अगला ही प्रिफर्ड, ही प्रिफर्ड ऑरेंजेस टू एप्पल्स, ही प्रिफर्ड ऑरेंजेस टू एप्पल्स बिकॉज, अब तो दो ही है ना, ही प्रिफर्ड ऑरेंजेस टू एप्पल्स बिकॉज द लैटर यानी सेब, पहले ऑरेंज का नाम लिया है फिर एप्पल का नाम लिया है, बिकॉज द लैटर वर नॉट एज जूसी एज द फॉर्मर। क्योंकि लैटर एप्पल्स उतने रसीले नहीं होते जितने कि पहले वाले ऑरेंजेस। ये क्लियर हुआ? सीमा इज फ्रेंड्स विद सोनी एंड मोनी, सीमा की दोस्ती है सोनी और मोनी से। द फॉर्मर इज हर कजिन, पहली वाली तो उसकी कजिन है, और लैटर जो है लैटर एल ए टी टी ई आर लैटर जो है इज हर सिस्टर इन लॉ, बाप भी है चाहे ननद है चाहे कोई भी है, सिस्टर इन लॉ। आई टेक फ्लूट वायलिन एंड पियानो लेसन्स, मैं फ्लूट सीखता हूँ, वायलिन सीखता हूँ, पियानो बजाना सीखता हूँ। आई लाइक द लास्ट वन द मोस्ट, क्योंकि दो से अधिक का रेफरेंस है, आई लाइक द लास्ट वन द मोस्ट। मरिया अगला सेंटेंस स्पीक्स स्पैनिश एंड इंग्लिश, यहाँ दो चीजों का जिक्र है, स्पैनिश एंड इंग्लिश। शी इज स्टिल परफेक्टिंग द, अभी भी परफेक्ट करने की कोशिश कर रही है द लैटर एल ए टी टी ई आर एल ए टी टी ई आर। I was given the option of having vanilla or chocolate ice cream. बेचारे बच्चे ब्रिक लाएंगे एक दिन बड़ा सा, फिर अपन सब थोड़ा थोड़ा शेयर करके खाने, अच्छा ज्यादा ज्यादा लेंगे, ठीक है लाएंगे लाएंगे जरूर से लाएंगे। ये पड़ोस वाला रखता है क्या, ब्रिक रखता है? आज नहीं बनाऊंगी, फ्यू डेज इन द नेक्स्ट है ना, ये एक्सरसाइज अटक जाएगा तो कौन सा रख रहा है अभी रुक जाओ। आई वॉज गिवन द ऑप्शन ऑफ हैविंग वनीला और चॉकलेट आइसक्रीम, दो ही आइसक्रीम्स का चॉइस है। आई चोज द लैटर, आई चोज द लैटर। अब ये देखो अगला तुमने लिखा है, मैंने लिखाया है, याद रखना है स्कूल को, मोर अपने आप में कंपैरेटिव होता है, मोर एम ओ आर ई। अब मोर ब्राइटर गलत है, मोर आप कह सकते हो डायरेक्टली ब्राइटर, पर आप ब्राइटर भी कह रहे हो फिर मोर भी कह रहे हो,
नहीं कहोगे मोर ब्राइट या सिर्फ ब्राइटर. इफ यू से मोर क्लियरर, ज्यादा साफ दिखाई पड़ रहा है. जो बच्चे आगे हटके आके बैठे उनको बोर्ड ज्यादा अच्छा दिख रहा है. नाउ द बोर्ड इज मोर क्लियरर, रॉन्ग. द बोर्ड इज मोर क्लियर या द बोर्ड इज क्लियरर. मोर प्लस सेकेंड वो जो कंपैरेटिव डिग्री वो नहीं आएगी. याद रखना, लिखो उसको कहीं, है ना. द शू इज मोर टाइटर, नहीं द शू इज टाइटर. अगला 16, तुमने उसकी डैश बाइट देखी है. लेटेस्ट, वेरी गुड. हैव यू सीन हिज लेटेस्ट बाइक. द लास्ट फ्यू डे, आखिरी कुछ दिन. द लास्ट फ्यू डेज हैव बीन वेरी हेक्टिक. HECTIC. हेक्टिक का मतलब बिजी, व्यस्त. आखिरी कुछ दिन बहुत बिजी रहे हैं. आखिरी कुछ दिन, लास्ट फ्यू डेज, लास्ट फ्यू डेज, बीते हुए तीन चार दिन. ही बॉट दिस हाउस लास्ट ईयर. हमारा मकान इस गली का आखिरी मकान है. लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट, लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट. शिवानी तुम्हारा रजिस्टर है, तुमने लेटेस्ट मुझे समझ में आ रहा है तुमने क्यों लगाया है. हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई गलती नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है. एक बात समझो, तुम लोग बार बार ऐसे मत आधे साइज के हो जाते हो जैसे तुम गलत करते हो. मेरी बात सुनो, कुछ तो तुमको सोचा होगा इसलिए तुमने लगाया. सपोज ये इसने ये मीनिंग निकाला कि बाकी सारे मकान तो पहले ही बन गए. हम निकाला ना, तो हमारा मकान सबसे लेटेस्ट मकान है. इसने उस सेंस में तुमने लेटेस्ट भी सोचा, है ना. पर हम मकानों का हम ये सब नहीं कहते. दिस इज द लास्ट हाउस टू बी बिल्ट. हमारा मकान सबसे आखिरी मकान है जो बिल्ड हुआ. ये सब पहले बन गए, हमने हमारा मकान लास्ट बनाया, तो भी हम लास्ट ही लगाएंगे. कह सकते कल्पना, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं. लेट, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, लैटर, इसलिए इस रेफरेंस में. तो मकान को हम लेटेस्ट मकान है, इस गली का लेटेस्ट मकान है ये नहीं कहते. द लास्ट हाउस टू बी बिल्ट, आखिरी मकान है जो निर्मित निर्माण हुआ जिसका. लास्ट हाउस टू बी बिल्ट, मकान के संदर्भ में लेटर वेटर मत लगाना, फॉर्मर लेटर लेटर ये सब मत लगाना, है ना. चलो, तुम यू कह सकते हो ये दो मकान है, ये दो मकान है. द फॉर्मर का पेंट वेंट सब निकल रहा है, द लेटर इज ब्यूटीफुल, ये कह सकते हो. पर निर्माण करने के सेंस में, स्थित होने के सेंस में लेटर वेटर नहीं लगाते, लेटर भी नहीं लगाते, है ना, लास्ट. तो इसलिए आर्स इज द लास्ट हाउस इन दिस वीक. इस गली में हमारा मकान आखिरी मकान है, लास्ट हाउस, क्लियर. अगर ये नहीं होता, आर्स इज द लास्ट हाउस टू बी बिल्ट, तो भी लास्ट ही आएगा. आई हैवंट वॉच्ड हिज डैश मूवी. लेटेस्ट आएगा या लास्ट आएगा तुम्हें पता ही नहीं है कि अगला जिंदा है या मर गया. तुम्हें पता ही नहीं है ना कि जिंदा है या मर गया. किसी एक्टर की बात कर रहे, ऐसे में लास्ट मत लगाओ, लेटेस्ट लगाओ. आई हैवंट वॉच्ड हिज लेटेस्ट मूवी. दे बिकेम फ्रेंड्स बट लेटर, बाद में, लेटर, LATER, पहले तो वो दोस्त थे, बाद में लड़ पड़े. लेटर दे क्वारल्ड. आई लाइक, पे अटेंशन प्लीज, पे अटेंशन. 22 पार्ट आ गया,
पार्ट आ गया है ना। तो अब आई लाइक, सपोज मुझे कहना पड़े तो आई विल से आई लाइक द एंडिंग ऑफ द फिल्म, वही लास्ट पार्ट हो गया, आई लाइक द एंडिंग ऑफ द फिल्म। पार्ट लगाना है ना, तो इसका मतलब फॉर्मर पार्ट, लैटर पार्ट, आई लाइक द लैटर पार्ट ऑफ द मूवी, मुझे बाद का हिस्सा अच्छा लगा। फिल्म का शुरू का हिस्सा, फिल्म का बाद का हिस्सा, लिखो कॉपी में सेंटेंस नंबर 22 और रूल लिखो, कॉपी में सेंटेंस 22 लिखो, 22 लिखो, आई लाइक द, आई लाइक द डैश पार्ट ऑफ द मूवी, डैश पार्ट ऑफ द मूवी। अब इसमें वो जो डैश पार्ट है, पार्ट आ गया ना, तो इसलिए तुम इसको फॉर्मर और लैटर भी मानो। फिल्म का शुरुआती भाग फॉर्मर पार्ट, फिल्म का बाद का भाग लैटर पार्ट, आई लाइक द लैटर पार्ट। अगर वो लैटर देंगे तो वो लास्ट नहीं देंगे, क्योंकि लास्ट भी करेक्ट हो सकता है, इसलिए वो लास्ट नहीं देंगे। सुषमा मेरे से पूछो, क्या पूछना है, पूछो जो भी पूछना है, क्या पूछना है, डबल टी वाला आएगा, लेटर ही आएगा, या फिर लास्ट आ सकता है आखिरी भाग, तो आरपीएससी दोनों ही देगी, या लेटर देगी या लास्ट देगी। तो पार्ट देखते ही लेटर वाला ऑप्शन हो तो उसको चूज करना, फिर वो लास्ट नहीं देंगे। ओके, आई थिंक आई शैल कुक डिनर लेटर, एलईडी या बाद में, आई थिंक आई शैल कुक डिनर लेटर। साइड में लेती लेटर लैटर,
करो लैडर, तुम सबको एक से बोलते हो लैडर, लैडर। ये डिफरेंस है, इन दो साउंड्स में डिफरेंस है, फोनेटिक्स है तुम्हारे कोर्स में। और एक बात याद रखो, तुम्हारा एक टेस्ट मैं एक बार फोनेटिक्स करा दूंगी, मैं अभी स्टार्ट कराऊंगी वेरी सून, और एक टेस्ट मैं ओनली फोनेटिक्स में 100 क्वेश्चंस दूंगी, ओनली फोनेटिक्स में। उसमें आपके ट्रांसक्रिप्शन, अभी जिन्होंने पहले कर लिया पढ़ लिया, बहुत सारे नए बच्चे हैं, सबको नए सिरे से कराना ही है, तो एक बार मैं करा दूँ फिर वो टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चंस ओनली ऑन फोनेटिक्स, क्योंकि 8-10 क्वेश्चंस तो आने ही इसके। चलो पहले कराऊंगी, पढ़ाऊंगी, उसके बाद ही दूंगी टेस्ट। हाफ या लिखो रूल, हाफ या पार्ट आए तो आप लैडर लगाना, हाफ या पार्ट आए, हाफ या पार्ट आए, हाफ या पार्ट आए तो आप लैटर लगाना, LATER। परंतु परंतु इन द डे, इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द डे, इन द नाइट, इन द इवनिंग, ये आए और उससे पहले ब्लैंक को, ये आए और उससे पहले ब्लैंक हो तो हम लेटर लगाएंगे, LATER, तो हम लेटर लगाएंगे, LATER। 24 क्लियर है निक्की? अब ये 25 का भी रूल लिखो, 25 का भी रूल लिखो। जब अपन कहते ना आगे पीछे सबको ही, आगे पीछे सबको ही पढ़ना है एक दिन, है ना? Sooner or later, sooner or later, LATER, आगे पीछे उसको समझ में आई जाएगी। Sooner or later, sooner or later, हाँ? सिंगल टी वाला, लेटर लेटर, सूनर और लेटर, LATER, LATER। चलो sooner or later everyone catches a cold, sooner or later everyone catches a cold। आगे पीछे जुकाम तो सबको ही होता है, आगे पीछे जुकाम तो सब, ये किसी जिसने भी ये सेंटेंस बनाया ना उसने कोविड के टाइम पे बनाया होगा, तो सबको हुआ, कोविड हुआ या मत हुआ। चलो 26, ऑफ द टू, लिसन क्लियर, हिंट, टू ऑफ द टू आई प्रिफर द लैडर, ऑफ द टू आई प्रिफर द लैडर। बिल इज एंग्री विथ जिल, Bill is angry with Jill because the latter ate his pastry. वो उसका पेस्ट्री खा गई। Latter, Bill Jill से नाराज है क्योंकि Jill Bill की पेस्ट्री खा गई। तो latter आएगा ना Jill के लिए। दो लोगों का जिक्र है ना, Bill और Jill। बिल और जिल दो लोग हैं, इसमें जिससे जिल जो है बिल का पेस्ट्री खा गई, इसलिए बिल नाराज है जिल के साथ क्योंकि द लैटर एट हिज पेस्ट्री, जिल खा गई बिल की पेस्ट्री। वी कैन टॉक अबाउट
business later on, L-A-T-E, later on, बाद में, देखो later in the evening, later on, latter, वैटर के साथ preposition in, on नहीं आएगा, लिख लो, लिखो later on, later, L-A-T-E-R, साउंड से पहचानो, देखो सिंगल टी डबल टी मत बोलो, लैटर लेटर लेटर ऑन, लेटर ऑन कॉमा लेटर इन द इवनिंग, लेटर इन द इवनिंग, लेटर इन द इवनिंग, ओके। ये हम प्रेपोजिशन, लेटर के बाद हम प्रेपोजिशन लगा रहे हैं, लेटर L-A-T-E-R के बाद इन ऑन प्रेपोजिशन लग जाता है, लेटर के बाद नहीं लगेगा, L-A-T-T-E-R के बाद प्रेपोजिशन नहीं आ सकता। क्या नहीं सुन, पूछो ना जो डाउट है, इतना हिचकिचाते क्यों, पूछ लोगे ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा तड़प के जवाब दूंगी, पर तुम्हें समझ में तो आ जाएगा कि क्या है, हेजिटेट मत करो पूछने में, मेरी बात सुन, तू पूछ रही है प्रेपोजिशन से पहले तो लेटर आ जाएगा, प्रेपोजिशन से पहले, वही तो मैं कह रही हूँ, प्रेपोजिशन से पहले लेटर आ जाएगा, L-A-T-E-R, अंडरस्टूड, बट प्रेपोजिशन के बाद लैटर वैटर नहीं आ सकता, ना आगे पीछे ये सब नहीं आएगा, लैटर नहीं आएगा, तुम कह रहे हो लेटर, तुम देख रहे हो सेंटेंस में डैश, लिसन, तुम सेंटेंस में डैश देख रहे हो और फिर उसमें इन ऑन आ रहा है, डैश देख रहे हो फिर इन ऑन आ रहा है ना, वहां लेटर ही आएगा। आज अच्छे से पढ़ो, स्टडी प्रॉपरली, टुमारो आई विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर द क्लास, होल क्लास, ओके, आई विल ब्रिंग वन गिफ्ट फॉर द होल क्लास, क्या है वो गिफ्ट, क्या है होल क्लास के लिए, देखते हैं, टेस्ट नहीं, टेस्ट तो पनिशमेंट है, एक्सरसाइज तेरे लिए गिफ्ट है क्या, तू अभी ले लेगी आइसक्रीम, तो तुम खाओगे, सही बात सुनो, तुम आइसक्रीम एक दिन खा लोगे है ना, और उसमें कोई सेंस नहीं निकलेगा, मैं क्या करूंगी, मैं तीन पंखे और ले आऊंगी, अब तो ये तुम्हारा कम से कम ये हो जाएगा कि तुमने तालियां मत बजाओ, रोड भी से ली, कम से कम ये होगा कि ये छह जगह पंखे होंगे तो तुम लोग आराम से बैठ जाओ, है ना, आई ब्रिंग दिस, फिर जब इनको कूलर लगाना होगा लगा देगा, अपन पंखे तो लगवा ही सकते हैं, है ना, मैं लगवा दूँ, कल तक तुम्हारा लग जाएगा, डोंट वरी, आज आज और झेल लो, थोड़ा सा झेल लो, ओके, चलो अगला, ये हो गया बिल और 28, वी कैन टॉक अबाउट बिजनेस लेटर ऑन, वी कैन टॉक अबाउट बिजनेस लेटर ऑन, अगला दो ऑप्शंस में से बात का ऑप्शन बेटर है, दो ऑप्शंस में से बात का ऑप्शन बेटर है, ठीक है, तो क्या आएगा, सलोनी तू बेंच पे खड़ी हो जा, इतनी देर से कह रही हूँ, दो ऑप्शंस में हम हमेशा लैटर लगाते हैं, मैं तो 29 करा रही हूँ, अच्छा द लैटर ऑफ द टू ऑप्शंस इज बेटर, हाँ 30, लेटर टुडे, आज बाद में, लेटर टुडे आई एम गोइंग टू द जिम टू वर्कआउट, लेटर L-A-T-E-R, अब ये 31 देखो पार्ट आया है, 31 में पार्ट आया है ना, द लैटर part of the day is for relaxing, not
वर्किंग. अगला अगला बेटी इज लीविंग फॉर वर्क. बेटी इज लीविंग फॉर वर्क. सो शी सेज शी विल सी अस लेटर. बाद में मिलेगी हमसे. करेक्ट, लेटर. अगला इफ आई हैव टू चूज बिटवीन द टू. अब देखो टू आ गया. अगर मुझे इन दोनों में से चुनना पड़े आई विल पिक द लैटर ओवर द फॉर्मर. आगे कोई ब्लैंक वैंक नहीं है. सूनर और लेटर. एल ए डी ई आर. इट इज गोइंग टू रेन. अब देखो प्रेपोजिशन आ गया लेटर. एल ए डी ई आर. Later on, there will be more places that you can visit. Agla, Bill wants to meet Jill now. Bill Jill से मिलना चाहता है, पर इसमें दो को देख के फट से letter मत करना. देखो sense क्या है. Bill Jill से मिलना चाहता है अभी. Instead of बाद में. Instead of बाद में. L A T E R. Because he will be busy. Is this clear? Because he will be busy. Is this clear? Chalo. Ab hum naya kuch kare ya literature karoge? Literature kar do. Lo. लिटरेचर तुमको लिखना पड़ेगा. इसको बंद तो करो. बंद तो करो. अरे